अगर वो कुछ बोलते हैं एक तो मिश्रा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मैं जान सकता हूँ? एक के मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं वजह पूछ रहा था। मैंने शुरू में ही बोला था कि बंदरों के बीच में लंगूर वाली हालत है। हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ना, इन लोगों की मजबूरी ये होती है कि राहुल गांधी कुछ भी बयान दे दे, क्योंकि राजनीति से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, तो हर हाल में फेवर करेंगे। यही बयान जरा अखिलेश यादव से दिलवाइए आरक्षण पे, लालू यादव से जरा दिलवाइए, मायावती सबसे पहले आ गई है। मैं मायावती को आज भी दलितों का एक सबसे बड़ा व्यक्तित्व मानता हूँ। उपाध्याय जी कह रहे क्या गलत बोला ये बता दो, कह रहे क्या गलत बोला राहुल गांधी ने? अरे उनको क्या गलत समझ में आएगा, मैंने वही बोला ना, उनको कोई गलत, उनको उनको सारी चीजें अच्छाई ही अच्छाई समझ में। जो आरक्षण का मूल उद्देश्य था आपने दो राहुल गांधी के जितने बयान है सुन लीजिए, सभी कंपनियां आरक्षण मिलेगा। राहुल जी कह रहे हैं तीन महीने चार महीने खोए रहे, चार महीने बाद इनका सपना टूटा। अरे 90 सीट का मतलब प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं होता है, चार महीने तक तो राहुल गांधी और कांग्रेसी लोग उनको प्राइम मिनिस्टर समझते रहे। चार महीने बाद जब सपना टूटा है तब उनको ख्याल आया, अरे यार अभी तो मैं 250 सीट पीछे हूँ सरकार बनाने के लिए, तो अब चलो करो, अब क्या करो, तो उलूल जुलूल की बातें हिंदू धर्म। एक बात एके मिश्रा ने, एक बात बड़ी दिलचस्प कही एके मिश्रा ने। मिश्रा जी ये कह रहे हैं, रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं, जो बयान राहुल गांधी ने बोला है वही अखिलेश यादव से बुलवा दो आरक्षण को लेकर, कह रहे हैं वो आरक्षण का आई बोल दे सिर्फ इस मसले को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा है, जो एके मिश्रा कह रहे हैं। रविंद्र जी क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं?